मैंने पहले ही दिन में बनाना शुरू कर दिया था और अभी केवल मैं इंट्रो देने के लिए आया हूँ, क्योंकि इंट्रो नहीं दिया था मैंने, भूल गया था मैं इंट्रो देना, तो ब्लॉग बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया और इंट्रो देना भूल गया था। तो चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे से। आज तो मैंने पहली बार मूंग की खिचड़ी बनाई ना यहाँ पे घर में, और इतना डांट दिया मेरे को पहली बार। मूंग की खिचड़ी मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाई थी, उसमें नमक भी नहीं हो रखा है और खाली मतलब प्याज डाल दिया उसमें और ना टमाटर डाल रखा ना कुछ डाल रखा है, ऐसी बना दी। ये देखो कैसे करके आ रही है, एक हाथ में बोतल लेके एक हाथ में जग लेकर के आ रही है। ये हुई मेरी खिचड़ी। ये खिचड़ी नहीं दलिया है, दलिया समझ के खा ले इसको। मैं ही थोड़ा खाऊंगा, तू भी तो खाएगी इसको। मेरे को तो वैसे भी भूख नहीं लग रखी है, ये खाएगी। मैं तो थोड़ा तेरे गर्दन में कुछ। आम की चटनी बना रखी है जो परसों बनाई थी मम्मी ने और अभी तक चल रखी है। मम्मी का ऐसे करके गुस्सा होता है, मम्मी का गुस्सा बहुत भयंकर का होता है यहाँ पे, को मर जा लिए। ये जो चटनी है बहुत बढ़िया लगती है वाली चटनी। नहीं बने। और मम्मी इतनी जिद्दी है ना, एक बार जो कह देगी मतलब वो करके रहेगी, फिर जाए कुछ भी हो जाए। देखो खुद से हाथ से उठा दिया वो कपड़ा, नहीं लेके आई तो क्या पानी पीलेगा, फिर दाग बन जाएगा। जल्दी लेके जा। ये आया नौमत, इसका नाम नौमत पड़ गया है कल। तेरा नाम क्या है वो बताना, अपना नाम बताया कर, अपना नाम बताया कर। तेरा नाम है, तेरा नाम है। ये आई मुस्कान, ये दोनों तो ऐसे ही बोल रहा हूँ इन दोनों से। बड़ा लो नौमत, यहाँ पे बैठ रखा है नौमत। नौमत इसको देखो, ये तो नौमत कहने में चढ़ जा रहे हैं। नौमत नौमत नौमत, अरे अरे नौमत नौमत कहने में चिड़ रहा है। नौमत नौमत कहने में चिड़ रहा है। अब तुम्हारी नौमत नौमत नौमत। बसंत लेके आ रहा है गिलास यहाँ पे को। किसका है, है? किसने दिया, किसने दिया, दीदी ने, किसने दिया, दादी चेड़ा है। तुम वहां को रहना, तू मत चेड़ना। कैसा कर रहा है, ऐसे नहीं मानेगा मतलब। नौमत होमत चिड़की रहा है, भाग रहा है। नौमत होमत नौमत नौमत नौमत। दरवाजा बंद कर रहे हैं दोनों मेरे लिए। आ जा, दम लगा क्या है, तू बंद करेगा मेरे को, तू बंद करेगा। बड़ी ताकत आ रही है तेरे पास तो, ऐसे नहीं मानेगा मतलब। बड़ी ताकत आ रही, क्यों? एक दो तीन आठ। यहाँ पे तो लगा दी आग, लेकिन आग लगने के बजाय पूरी धुआं धुआं हो गया। कल जब यहाँ पे वो खेत में ताल लगाए ना, तो उसके बाद से नहीं आ रहे गाय भैंस यहाँ पे को, मतलब आज तो कोई आया ही नहीं यहाँ। मम्मी 10 रुपये का ठंडा पी लूँ? हैं? एक तो आज दिन भर लाइट नहीं थी और इतना गर्म हो रही ना, और पानी भी ठंडा नहीं हो रखा है, और मम्मी पीने भी नहीं दे रही ठंडा। नया लगा दिया जो सी फोटो स्टेट कलर फोटो स्टेट। 10 रुपये का फ्रूट भी दे दो, झंझन वाला जिसमें झंझन होता है। काला पीला नहीं है, पीला ले दो। मम्मी ले पी रही 10 रुपये का झंझन वाला। झंझन वाला है, पी रही है, पी ले। गीतू का नहीं है, गीतू के लिए नहीं है। मैं उसको कुछ नहीं दे रहा हूँ, तू पी रही तो पी ले, नहीं तो। बसंत का झूला लग रहा है यहाँ पे को। नौमत आ गया फिर से यहाँ पे को। मम्मी तो काट रही है यहाँ पे को घास, और यहाँ पे को लहसुन अबल अब दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे को, पता नहीं कहाँ है। पूरा धूप की घास हो गई यहाँ पे को। परसों प्याज निकाला वहाँ पे से, और कल यहाँ पे को तार वादे, और आज निकाल रहे हैं यहाँ पे को लहसुन, जो कि दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे को। जैसे लगाए थे लहसुन वैसे के वैसे ही है, थोड़े भी बड़े नहीं हो रखे हैं। देखो 4 दाने निकल रखे केवल, इतने इलाके में केवल 4 दाने निकले, और वो भी छोटे छोटे। आंटी ने बोला था पानी में बनाना दो पानी के, पानी खेत में ना दो आंटी बोलता है। इसकी भाषा भी समझ में नहीं आती है। पूरे खेत में केवल इतना सारा लहसुन निकला, इतना सही। मम्मी अभी खोदने में लगी पड़ी है। बाहर तो इतना खतरनाक वाला तूफान आ गया ना, आजकल लूजी आ जा रहा है तूफान। तो फिलहाल ये वाले ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।